साथ शेयर करूंगी सेवई रेसिपी और बिल्कुल नए अंदाज में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेवई बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम गैस ऑन करके गैस पर एक बर्तन रखेंगे। इसमें हम एक कटोरी चीनी ऐड करेंगे और इसी कटोरी से नाप कर हम आधा कटोरी पानी ऐड करेंगे। चीनी को पानी में घुलने तक पकाएंगे। हमें चीनी चाशनी में कोई तार नहीं चाहिए, बस चीनी अच्छी तरह से पानी में घुल जाए उतना ही पकाना है। अब हम इसमें चीनी हमारी पानी में अच्छी तरह से घुल गई है। अब हम इसमें 10 से 12 केसर के धागे डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। 4 से 5 इलायची को हमने दरदरा कूट कर ले लिया है, इसे भी डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से हम चाशनी को पकाएंगे। और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चाशनी हमारी पककर के तैयार है। अब हम इसे ढककर अलग रख देते हैं। अब हम एक गैस ऑन करके एक पैन में थोड़ा सा घी डालकर सेवइयों को रोस्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने सेवइयों को डाल दिया है। अब ये हमने 50 ग्राम के करीब सेवइयां ली हैं। अब हम इसमें सेवइयों को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देख सकते हैं आप, हमारी सेवइयां रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें जो हमने चाशनी ली थी तैयार की थी उसे डालेंगे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे। अब हम इसे चाशनी को डालकर गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए चलाते रहेंगे, जिससे कि सेवइयां हमारी चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगी और बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं सेवइयां हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं और इसने चाशनी को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और सेवइयों को ढककर रख देंगे एक तरफ और इन्हें बीच बीच में चलाते रहें, वरना सेवइयां हमारी हार्ड हो जाएंगी और आपस में चिपके ना, इसीलिए हम इन्हें बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब सेवइयों के लिए हम रबड़ी बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए हम गैस ऑन करके गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और हम इसमें आधा लीटर फुल फैट दूध डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 उबाल देंगे। इसमें से हम 3 बड़े चम्मच दूध निकाल लेते हैं। जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। हमने ये जो दूध निकाला है इसमें हम 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसका एक घोल तैयार करेंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं या आप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, चावल का आटा भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो फुल फैट दूध लें, उसे थोड़ी देर के लिए और पकाएं। उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा बट रबड़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। मुझे जल्दी में बनाना है इसलिए मैं इसमें, और कस्टर्ड का थोड़ा फ्लेवर भी चाहिए इसलिए हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। देख सकते हैं आप, दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है और हम गैस का फ्लेम लो करके जो हमने दूध और कस्टर्ड का जो घोल तैयार किया है उसे हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना पड़े। थोड़ी देर में दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे। आप देख सकते हैं दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें सेवइयां डालेंगे और मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से चलाएंगे। अभी हमारी सेवइयां थोड़ी पतली सी लग रही हैं, थोड़ी गाढ़ी हो जाएंगी। हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं, सेवइयां हमारी गाढ़ी हो गई हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब चिरौंजी ऐड करेंगे और आधा चम्मच हमने कटे हुए बादाम लिए हैं, इन्हें मिक्स कर लेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। सेवइयों को हमने एक बाउल में निकाल लिया है, हमने कटे हुए बादाम और पिस्तों से गार्निश कर ली है। हमने कुछ सेवइयां बचा ली थी, इन्हें गार्निशिंग करेंगे। हाथ से किनारों बाउल के किनारे पर लगाते हुए जाएंगे और बीच में टूटी फूटी से गार्निश कर देते हैं।
ये लीजिए हमारा सेवैया डेजर्ट बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे गर्म गर्म सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसे ठंडा खाना पसंद करते हैं तो 2 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें, उसके बाद आप सर्व करें। देखिए मैंने 2 घंटे हो गए हैं इसे फ्रिज से निकाल लिया है, मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये लीजिए हमारा सेवैया डेजर्ट बनकर तैयार है। देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो खाने में कितना टेस्टी होगा। कैसा लगा गाइस आपको यह सेवई डेजर्ट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।